हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम देखेंगे मॉड्यूलर LFSR पे बेस जो क्वेश्चन होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलर LFSR जो है हम इसको इंटरनल LFSR कहते हैं ना, इंटरनल XOR। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंटरनल XOR का और एक्सटर्नल XOR का, है ना। तो इंटरनल XOR को हम बोलते थे मॉड्यूलर LFSR और एक्सटर्नल XOR को बोलते थे हम स्टैंडर्ड LFSR। ठीक है, तो हम इंटरनल XOR कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल गिवन है, हमें क्या करना है, हमको एक और गिवन होगा, आपको एक एक इनिशियलाइजेशन बिट गिवन होगा, सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, वो हो सकता है 001, हमने ये ले लिया। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया 001। अब इसके थ्रू से हमें तब तक वो पैटर्न जनरेट करना है, यानी जो हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे रखी है, जो सीड हमें दे रखी है, उसको हम यूज करके हम तब तक उसका पैटर्न जनरेट करेंगे जब तक कि यही सेम वैल्यू हमें लास्ट में ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही हमें ये सेम वैल्यू मिल जाती है किसी पैटर्न में तो हम वापस स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल गिवन है इसको हम सबसे पहले डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद आउटपुट स्टेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया जो हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। कौन से फ्लिप फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप, 3 डी फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। बना दिया, क्या है, शिफ्ट रजिस्टर है, तो हमने क्या किया, शिफ्ट रजिस्टर कर दिया। उसके बाद क्या है आपका, लीनियर फीडबैक, हमने क्या किया, लीनियर फीडबैक दिया, इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट, इतना कंप्लीट है। उसके बाद डी जीरो ये हो गया, डी वन एंड डी टू। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद देखो एक्स की पावर 1, अब एक्स की पावर 1 पे क्योंकि ये इंटरनल XOR है इसीलिए हम उसके इनपुट पे XOR लगाएंगे। इसके पे x की पावर 1, x पर मतलब d1। ठीक है, तो d1 पे इनपुट क्या है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, XOR लगाएंगे और इसको यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहां से बन जाएगा हमारा S0, यहां बन जाएगा हमारा S1 और ये बन जाएगा हमारा S2। अब ये हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के बेस पे हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसके बेस से हम यहाँ पे अपना टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा डी नॉट की बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा, डी नॉट। ठीक है, अब डी नॉट है ये हमारा किसका है, डी वन का, और ये कौन सा है हमारा, डी वन। सबसे पहले अगर डी नॉट के आउटपुट की बात करें कि डी नॉट का एस वन कैसे, एस नॉट कैसे आ रहा है ना, डी नॉट का एस नॉट कैसे आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, D2 की वजह से आ रहा है, है ना। हम देखें अगर जो इसके पास जो इनपुट आ रही है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, D2 की वजह से आ रही है। ठीक है, तो हम D0 को इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट ऑफ किसका, D2, है ना। एंड D0 की जो इनपुट है वो आउटपुट ऑफ D2। ठीक है, इसकी जो आउटपुट होगी वही इसकी इनपुट बन जाएगी, है ना, डी डॉट की। ऐसे अगर हम डी वन की बात करें तो डी वन की इनपुट क्या बनेगी, आप देखो ये एस नॉट जो आ रहा है यानी डी नॉट, और एक ये डी टू भी आ रहा है ऊपर से एस, ये तो दो है, एक ये है और एक ये है और बीच में एक्स है। तो मतलब क्या है, जो डी वन है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट ऑफ इसका डी नॉट XOR और क्या है, डी टू। ठीक है, यानी जो डी वन होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट ऑफ डी नॉट और डी टू। ठीक है, ये हो गया। अब हम डी टू का देखते हैं, तो डी टू देखो सिंपली डी वन है ना, कोई और एक्सटर्नल आउटपुट नहीं है, सिर्फ जो डी वन था वही डी टू पे जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो डी टू जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट ऑफ डी वन। ठीक है, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू इसके डी फ्लिप फ्लॉप के हमारे इनपुट आ गए। ठीक है, ये इनपुट देने के बाद हमारा ये आउटपुट आएगा। अब हम इनिशियलाइजेशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है हमारी 001, तो हमने क्या पुट किया, 00, और सबसे पहला जो हमारा ये इनिशियलाइजेशन था ये हमने पुट किया। अब इसके बाद
हमारा प्रोसेस ये है कि हम इस जो हमने ये अभी आउटपुट वाला जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, हम इसको तब तक फॉलो करेंगे जब तक जो हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो पूरी तरह ना आ जाए, ठीक है, पैटर्न यही वाला सेम ना बन जाए, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे क्या हमारा डी नॉट है, ये हमारा डी नॉट है, ये डी वन है, ये डी टू है, ठीक है। तो डी नॉट क्या है, आउटपुट ऑफ डी टू। अब देखो इस ऊपर वाले पैटर्न से मैच करेंगे, तो देखो इसके ऊपर वाला पैटर्न ये वाला है, तो हम ये मैच करेंगे। डी नॉट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो डी नॉट में क्या आनी चाहिए, आउटपुट ऑफ डी टू। आउटपुट ऑफ डी टू क्या है, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। सेम केस अब हम कहाँ पे है, डी वन पे है। अब देखो डी वन किस पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट ऑफ डी नॉट एक्सॉर्ड डी टू। डी नॉट का है ये और डी टू ये, तो इन दोनों का एक्सॉर्ड। अगर हम एक्सॉर्ड गेट की बात करें, तो एक्सॉर्ड गेट का जो हम अगर टू टेबल डॉग है जैसे ए एंड बी एंड जेड, तो ए बी एंड जेड 0 0 0 1 1 0 एंड 1, तो जहां कहीं भी आपका मतलब कि सेम होगा इनपुट उस तरफ सिर्फ जीरो होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर अपोजिट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। सेम इनपुट पे आउटपुट जीरो आती है, अदरवाइज है वन, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, डी नॉट एक्सोर डी टू, तो डी नॉट ये रहा, डी टू ये रहा, तो जीरो एक्सोर वन, तो जीरो एक्सोर वन क्या है, वन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। सेम केस अब डी टू की तरफ देखते हैं, डी टू का आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, आउटपुट ऑफ डी वन। डी वन का आउटपुट क्या है, जीरो, तो जीरो। अब ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। अब हम देखेंगे डी नॉट, डी नॉट क्या है, आउटपुट ऑफ डी टू। अब देखो ऊपर वाले पैटर्न में देखेंगे, तो डी नॉट आउटपुट क्या है, डी टू की, तो जीरो है, तो जीरो लिख दिया। अब यहाँ पे आगे दोबारा डी वन पे, डी नॉट एक्सॉर डी टू, देखो डी नॉट सॉरी ये वाला नीचे वाला देखेंगे, डी नॉट एक्सॉर डी टू। अब देखो ये दोनों फिर से वन जीरो है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब उसके बाद फिर डी टू पे आ गए, तो डी टू क्या है हमारा, आउटपुट ऑफ डी वन, तो डी वन का आउटपुट क्या है, यहाँ पे वन, यहाँ पे लिखते हैं वन। सेम के साथ इसको फॉलो करते रहेंगे, डी नॉट देखो आउटपुट ऑफ डी टू, आउटपुट डी टू क्या है, वन है, वन कर दिया। अब देखो डी नॉट डी टू का एक्सॉर कर दो, फिर से वन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो डी टू है, तो डी टू क्या बन जाएगा, आउटपुट ऑफ डी वन, आउटपुट ऑफ डी वन क्या है, अभी भी वन है, यहाँ भी वन आ गया, ठीक है। सेम चलते रहेंगे, इसके बाद देखो डी नॉट है, डी नॉट डी टू आउटपुट है, डी टू क्या है हमारा, वन है, तो फिर वन आ गया, फिर डी नॉट एक्सॉर डी टू, वन वन आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, डी नॉट पे भी वन है और डी टू पे भी वन है, तो सेम पे क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं क्या है, डी टू, डी टू क्या है, आउटपुट ऑफ डी वन, आउटपुट ऑफ डी वन क्या है, वन है, यहाँ पे वन आ गया। ऐसी सेम फिर से डी नॉट क्या है, डी टू का आउटपुट, यहाँ पे वन है, वन कर दिया, ये इसका एक्सॉर्ड, फिर ये जीरो हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, डी टू, डी टू क्या है, आउटपुट ऑफ डी वन, आउटपुट ऑफ डी वन क्या है, जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है। फिर से डी नॉट आउटपुट ऑफ डी टू क्या है, जीरो, जीरो आ गया। यहाँ पे देखो वन और जीरो, वन जीरो क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि अपोजिट है। फिर से लिया डी वन, डी वन क्या है, जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो। अब देखो डी नॉट फिर से आउटपुट ऑफ डी टू, आउटपुट ऑफ डी टू क्या है, जीरो, यहाँ पे लिख दिया जीरो। अब देखो जीरो जीरो है, जीरो जीरो मतलब सेम है, तो जीरो हो गया, तो जीरो आ गया, ठीक, क्योंकि एक्सॉर है डी नॉट एक्सॉर डी टू। उसके बाद लास्ट डी टू, डी टू क्या है हमारा, आउटपुट ऑफ डी वन, आउटपुट ऑफ डी वन क्या है, वन वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी 001, यहाँ पे देखो 001 आ गया, है ना। यहां से हमें क्या पता लगता है, जो हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वही हमारी सेम दोबारा आ गई। मतलब हमें ऐसे पैटर्न क्रिएट करना है जब तक कि हमारी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी, जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू थी, वो कंप्लीट ना, ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों कंप्लीट आ गए, तो यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे कि यहाँ की जो वैल्यू है वो सेम है यहाँ, ठीक है। तो ये देखो ये वाला सेम है आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड था मॉड्यूलर एलएफएसआर पे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम उसमें करेंगे प्रिमिटिव और पॉलीनोमियल, ठीक है। हम उससे प्रिमिटिव चेक करेंगे कि वो इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल जो इक्वेशन है वो आपकी प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलर एलएफएसआर में यही करना है आपको, पैटर्न जनरेट करना है जब तक कि आपके सीड वैल्यू ना आ जाए। और हम देख सकते हैं इसमें कितने पैटर्न बने हैं,
देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 8 पैटर्न है, तो कितने पैटर्न बन गए इसमें, 8 पैटर्न। ठीक है,